नमस्कार बच्चों, आज हम नया व्यंजन लिखना सीखेंगे। व्यंजन त। व्यंजन त, तो फिर शुरू करते हैं। पहले देखो, दूसरी लाइन से चौथी लाइन तक एक सीधी रेखा बनाएंगे, फिर दूसरी और तीसरी लाइन के बिल्कुल बीच में से शुरू करते हुए उल्टे हाथ की तरफ जाते हुए थोड़ा सा कर्व बनाएंगे और अंदर की तरफ नीचे आएंगे इस तरह से, और चौथी लाइन को टच कर देंगे और ऊपर बनाएंगे एक लेटी हुई रेखा। फिर से देखते हैं, दूसरी से चौथी लाइन तक सीधी रेखा, फिर दूसरी और तीसरी के बिल्कुल बीच में से शुरू करेंगे, उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे और घुमाते हुए थोड़ा नीचे लेकर आएंगे अंदर की तरफ, और चौथी लाइन पे छू देंगे और ऊपर बनाएंगे एक लेटी हुई रेखा। फिर से देखो, सीधी रेखा, दूसरी और तीसरी के बीच में से उल्टे हाथ की तरफ चलो, घुमा के नीचे अंदर की तरफ लाओ और चौथी लाइन को छुएंगे और ऊपर बनाएंगे एक लेटी हुई रेखा। सीधी रेखा, उल्टे हाथ की तरफ चलो, घुमाओ और नीचे आओ। सीधी रेखा और इस तरह से पूंछ बनाएंगे, इसको हम पूंछ भी कह सकते हैं। सीधी रेखा, फिर दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में से शुरू करते हुए उल्टे हाथ की तरफ चलो, घुमाकर नीचे लाओ अंदर की तरफ और चौथी लाइन को छू दो और ऊपर बनाओ एक लेटी हुई रेखा। और अब हम 6 बार लिख चुके हैं, यहाँ पर हम त से संबंधित एक चित्र बनाएंगे। त से ताला, तो पहले एक लेटी हुई रेखा बनाओ, सीधी रेखा बनाओ, फिर से लेटी हुई रेखा उल्टे हाथ की तरफ और ये इस तरह से एक और सीधी रेखा, ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पर एक गोला लगाओ और 2 सीधी रेखाएं लगाओ, यहाँ से जोड़ दो और ऊपर बनाएंगे इसका कर्व, इस तरह से उल्टा कर्व बना देंगे। अगर आप चाहो तो एक और बना सकते हो ऐसे उल्टी यू आकृति। तो ये बन गया हमारा ताला, तो से ताला। अब यहाँ पर छोड़ेंगे हम एक लाइन, जिसके लिए हम एक छोटा सा काटा बनाएंगे और अब लिखना शुरू करते हैं क से त तक सीक्वेंस में, क्रम में लिखेंगे। क केला तोड़ा माली ने, ख खीरा रखा थाली में, ग गमले में फूल उगाना, घ घड़ी सुनाए टिक टिक गाना, अंग को घ के बाद है आना, च चम्मच से हम खाना खाते, च छाता लेकर धूप में जाते, ज जहाज पानी में चलता, जो झंडा ऊंचा लहराता, यहाँ को नाक से बोला जाता, ट टमाटर में है लाली, ठ ठेला भर कर लाया माली, ड डमरू बाजे डम डम डम, ढ ढोलक बाजे ढम ढम ढम, को बुलाओ दम दम दम। और अगली लाइन में लिखेंगे तो ताला है दरवाजे पर। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।